ए माय बटरफ्लाइज, कैसे हो? स्वागत है जिनके लाइव पार्ट टू में। हमें कहाँ से देखना था? यहाँ से। अब हम एल्बम देखने जा रहे हैं। मैं आमतौर पर कैची का यूज नहीं करता हूँ। लेकिन जब हम इस हिस्से को खोलने की कोशिश करेंगे तो ये हिस्सा ग्रैब हो जाता है और ऐसे हम इसे ऐसे फाड़ सकते हैं और ये ऐसे फट जाएगा। तो द एस्ट्रोनॉट, द एस्ट्रोनॉट, ये नाम बहुत लंबा है। ये नाम बहुत लंबा है ना, क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ? द एस्ट्रोनॉट, द ए, द नॉट, द एस्ट्रोनॉट। एक दिन मैं एक अच्छा वर्ड सोचूंगा। द एस्ट्रोनॉट रिकॉर्ड करना वाकई एक मुश्किल समय था। ये था कि क्रिस मार्टिन के गाइड सॉन्ग के बाद ये सॉन्ग हमारे पास आया था। क्या मैं इसे कर सकता हूँ? फिर भी मैंने इसे गाया। अगर गाना अच्छा नहीं हुआ तो मेरे पास जो गाने थे उन्हें रिकॉर्ड किया गया। इसमें सबसे लंबा समय लगा। मैंने सच में इसे कई वर्जन में गाया। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ ही गाया। मैंने इस तरह गाया। मैंने इसे बहुत वेरियस वर्जन में गाया। हालांकि मैंने गाया पर मैं उनके लेवल तक पहुंचने में एबल नहीं था। रिकॉर्डिंग में सच में बहुत टाइम लगा। मुझे अपने सेंस को काबू करने में समय लगा। मेरा जैसा स्टाइल है, अगर मैं अपनी सिंगिंग स्टाइल का यूज़ करता हूँ और ब्रीथ टेक्निक का यूज़ करता हूँ, या अगर मैं कोई कोड यानी सुर उठाता हूँ, तब मैं सोच रहा था कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया। मैं उनकी सिंगिंग स्टाइल में गाने की कोशिश कर रहा था। कोरस भाग में मैंने सांस के साथ सुर को बहुत मिक्स किया था। मैंने कम रेंज की आवाज़ बनाने की कोशिश की और मैंने किया। लेकिन वर्ड्स गाना मुश्किल था। चलो फील के साथ चलते हैं। चूंकि मैं कोरियाई हूँ तो कोरियाई जैसा ही फील करने की कोशिश की। 1980 और 1990 के दशक के पुराने गानों की तरह ही मिक्स करने की कोशिश की। ये गाइड वर्जन की तरह हो गया जो क्रिस मार्टिन ने मुझे भेजी थी। मैंने सोचा ये अच्छा लग रहा है। ये मेरी रिकॉर्डिंग के पीछे की बात थी। प्रोड्यूसर पोडांग, आपने अच्छा काम किया। एनीवे, मैंने ये देखते हुए द एस्ट्रोनॉट के बारे में सोचा था। मैं इसका नाम छोटा करने के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम इसे खोलोगे तो यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन कलर्ड सीडी है, पोस्टर। इस पोस्टर को लेकर मैंने कंपनी से काफ़ी बात की। इसे बड़ा कैसे कर सकते हैं? इस मुड़े हुए एरिया से पार्ट को छोटा बनाने के बारे में क्या? हम इसे डिस्कस कर रहे थे। कंपनी ने कहा, जिन ओ नहीं, अगर पोस्टर बड़ा होगा तो फैंस को अपनी वॉल पर हैंग करने में परेशानी होगी, क्योंकि पोस्टर बहुत जगह लेता है ना। अगर ज़्यादा छोटा होगा तो ये तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे। मुझे लगता है ये साइज़ परफेक्ट है। बहुत सारे जब फैंस इसे देखते हैं। खैर, तो ये फाइनल साइज़ बन गया। मेरे लिए पर्सनली, मुझे इस एल्बम का ये वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा दूसरे वर्जन के मुकाबले। अगर मैं ऐसा करूँगा, पहले मुझे पोस्टर देखने दो। मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना, राइट? ये ओरिजिनल पोस्टर नहीं था, मैंने इसे बदल दिया। मुझे लगा ये ज़्यादा हैंडसम है। अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूँ, कहाँ गया?
यहाँ मेरे लिए इस टाइप का स्टाइल, मेरी उंगली में कट लग गया। खैर छोड़ो, मेरे फेस का ये स्टाइल जहाँ इसमें हैंडसम तो है लेकिन कोल्ड है। मेरे लिए मुझे जिस तरह का चेहरा चाहिए वो ये नहीं है। मैं क्यूट चेहरा चाहता हूँ, थोड़ी और ज़्यादा प्योर इमेज, मुझे इस टाइप का पसंद है। अभी आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं, मुझे हैरानी है कि क्या ये दोनों एक ही हैं। हैंडसम है ना, ये भी हैंडसम दिख रहा है। एक वजह की स्किन रूखी दिखाई दे रही है इस तरह, मुझे इसे कैसे कहना चाहिए, इसके ऐसे दिखने का कारण, जब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रही थी, क्या कॉन्सेप्ट था वैसे, इसके लिए था शायद, क्या सही है, ऐसा नहीं था क्या। एनीवे, हमारे पास स्क्रीन पर ये चेहरा है, स्क्रीन बीम मेरे चेहरे से टकरा रही थी। हाँ, थोड़ा डिफरेंट कलर है। क्या ये सुंदर नहीं है। फोटो सिलेक्शन 90% फोटोज मैंने सेलेक्ट की थी। मेरा स्टाफ मेंबर ने सच में बहुत हार्ड वर्क किया। ये हार्ड वर्क था क्योंकि मैं बार बार फोटो बदलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, है ना, ये सुंदर है ना, इसलिए मैं अब संतुष्ट हूँ। ग्रेट जॉब। सो नेक्स्ट स्टिकर और पोस्टर नीचे रख देते हैं। तो एवरीवन, यहाँ स्टिकर हैं, स्टिकर भी यहाँ कुछ एडिट हैं। मैं इन स्टिकर से थोड़ा सैड हुआ हूँ। अगर ये इन स्टिकर को थोड़ा और टेक्सचर देते तो ये और ज़्यादा अच्छे दिखते। जब मैंने इन्हें पर्सनली देखा था तब तक बहुत देर हो गई थी, पर ये अभी भी अच्छा निकला, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और पहले मैंने वोटो के बारे में बात की थी। वोटो, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत सारे वोटो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, है ना। मेरी निराशा बड़ी होती जा रही है कि अगर आपके पास वोटो हो, और मैं भी कुछ स्टिकर भी शामिल करने का सोच रहा था। मैं कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा हूँ। अगर इसे आपके घर तक पहुँचाना है तो इस स्टिकर को बेटर वर्जन में अपग्रेड किया जाएगा और ये तुम्हारे पास आएगा। मुझे अपनी तरफ से अच्छा करना है, फाइटिंग। अगर तुम इंटरनेट पर देखोगे तो यहाँ कुछ फोटो कार्ड भी है। ये आजकल ट्रेंड है क्या। मैंने ऐसी बहुत सी जगह देखी है जहाँ लोग फोटो कार्ड बेचते हैं। ये इतना पॉपुलर क्यों है। क्या ये बस A4 पेपर शीट पर प्रिंट किया हुआ नहीं है और बस कट किया हुआ है। मैं सोच रहा था क्या हमारे पास फोटो कार्ड होना चाहिए। कंपनी ने कहा, ओह मैन, फोटो कार्ड तो जैसे आजकल एल्बम की सबसे मेन चीज बन गई है। मैंने कहा, क्या, क्यों। उन्होंने मुझे बताया था पर मैं भूल गया। यहाँ कुछ फोटो कार्ड है, फोटो कार्ड सेल्फी भी। मुझे लगता है कि मैंने एक ही स्पॉट पर 10 पिक ले ली हूँ। मैं सच में सेल्फी लेने में बहुत बुरा हूँ, किसे परवाह है जब तक मैं हैंडसम हूँ। तो एल्बम मुझे यहाँ दिखाने की बजाय अगर आप इंटरनेट पर इसे देखेंगे तो ये और बड़ी और बेहतर फोटोज हैं। आप में से बहुत से लोग इसे जल्दी पोस्ट कर देते हैं। इसे अभी दिखाने के साथ मैंने सोचा कि आपके साथ और अच्छी बातें होंगी। अब मैं इस एल्बम का रिव्यू देना बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने अभी तक म्यूजिक वीडियो नहीं देखा है, चलो साथ में म्यूजिक वीडियो देखते हैं।
सो एवरीवन लेट्स वॉच द म्यूजिक वीडियो। मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन है और ये 0 सेकंड पे है। अभी हम इसे 30 सेकंड बाद शुरू करेंगे। दोस्तों तुम भी वीडियो ओपन कर सकते हो। चलो साथ में वीडियो देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल लिरिक्स थे ऐसा ही कुछ था। तो फिर म्यूजिक वीडियो शुरू करें। मेरे 1 2 3 करने के बाद सब एक साथ प्ले प्रेस करेंगे। 1 2 3 ओ कितना हैंडसम है। ओ मेरा चेहरा, भले ही मैं 10 साल से एक्टिव क्यों ना हूँ। ओ मेरा चेहरा, चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ ये चेहरा मैंने 16 सेकंड पर रोक दिया है। एवरीवन मुझे लगता है कि 10 सालों के दौरान ये चेहरा सबसे हैंडसम है। इसे लोग गोल्डन टाइम कहते हैं ना, मुझे लगता है कि मेरा चेहरा अभी गोल्डन टाइम में है। बहुत हैंडसम है। ये बंद तो नहीं हुआ ना, मैंने इसे रोक दिया था। जब मैं कहीं और जाता हूँ तो ये रुक जाता है। ओके हर बार जब मैं कैमरा देखता हूँ तो मैं और सुंदर दिखता हूँ। लगभग 47 सेकंड पर एक ड्राइंग है। हमारे डायरेक्टर लूम्पर, वो काफ़ी साल से हमारे साथ इन्वॉल्व थे। उनका बेटा जिसका नाम गोया है, उसने ड्रॉ किया ये। यहाँ TMI मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ बैकग्राउंड कोरिया का है और ये अमेरिका का शूट था। फिर मैं वापस आ गया। फिर कुछ हफ्ते बाद इसे सेट पर शूट किया गया। इसके बैकग्राउंड को फोटोशॉप किया गया। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर तुम 53 सेकंड पर देखोगे तो वहाँ एक न्यूज़ एंकर दिखते हैं। वो पर्सन मेरे दोस्त हैं, क्रिस मार्टिन। उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। क्रिस मार्टिन इसमें एक न्यूज़ एंकर बने हैं। पहले मुझे भी पता नहीं चला था। उनका हेयर स्टाइल बहुत अलग था और उन्होंने चश्मे भी लगाए थे, तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैंने पास से देखा तो ओह, ये फेस इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। स्टाफ ने कहा ये क्रिस मार्टिन है। वाओ अमेजिंग। मैंने क्रिस मार्टिन के साथ म्यूजिक वीडियो के बारे में बात की। उन्होंने कहा यदि आप मुझे चाहते हैं तो मैं कोई भी सीन करने में खुश हूँ। हालांकि ये म्यूजिक अब तुम्हारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बस कुछ देर के लिए दिखूँ जो मुश्किल से ध्यान देने योग्य हो। इसलिए हम इसके बारे में सोच रहे थे। ओके देन पार्ट 2 में इतना ही। 30 मिनट की और लाइव बची है, उसे भी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। फिर मिलते हैं माय बटरफ्लाइज। टेक केयर, बाय बाय।